तो गाइज यहाँ पर शिब है, इनको डेली नए नए बिजनेसेस एज ए पेमेंट मेथड के रूप में स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ के साथ यहाँ पर बड़ी बड़ी व्हेल अकाउंट भी इसको परचेज करते हुए नजर आ रही हैं। चलिए अगर बात करें आज के बिजनेस की, तो यहाँ पर आपने देखा होगा फिलिप पांडा बेस्ड एक बिजनेस कंसल्टेंसी है जिसका नाम है सेंटूरी। तो उन्होंने यहाँ पर शिब इनको एज ए पेमेंट मैथड के रूप में स्वीकार किया है, यानी यहाँ पर यह क्या चीज़ है, कंसल्टेंट्स है बिजनेस के रिगार्डिंग यहाँ पर ये बात करते हैं। तो जो भी फीस वगैरह होती है वो अब यहाँ पर ये शिब इनू के जरिए ऐसे यहां पर लिया करेंगे, यानी यहां पर बहुत ही अच्छी खबर है पूरी की पूरी शिब है इनू के लिए और साथ के साथ शिब आर्मी के लिए। दूसरी यहां पर गुड न्यूज निकल के आ रही है एफसीएफ पे की तरफ से, जहां पर शिब इनू का इकोसिस्टम कोयन बोन टोकन, क्योंकि लीज टोकन और बोन टोकन इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको एज ए पेमेंट मेथड के रूप में स्वीकार किया गया, जो भी बहुत अच्छी गुड न्यूज है पूरी की पूरी शिब इनू के लिए साथ के साथ शिब आर्मी के लिए। साथ के साथ अगर यहां पर बात करूं होल्डिंग्स की, तो अगर मैं बात करूं टॉप 5000 इथेरियम वेहल की होल्डिंग की, तो यहां पर देख सकते हैं नंबर वन पे शिब इनू बना हुआ है। तो यहां पर आप अब आइडिया लगा सकते हैं भाई टॉप 5000 इथेरियम वेहल की होल्डिंग में शिब इनू को इतने ज्यादा होल्डर्स ने होल्ड करके रखा है, और उसका एकमात्र रीजन ये है भाई जो शिब इनू का प्राइस है वो पंप करेगा और उनको पक्का उम्मीद है यहां पर। और साथ ही साथ आपको तो पता भाई एक या दो महीने के बीच में शिबेरियम ब्लॉकचेन शिब इनू की लॉन्च कर दी जाएगी, उसके बाद जो प्राइस है वो पंप करेगा। कमेंट करके जरूर बताइए, बाकी मेरी अकॉर्डिंग तो पंप जरूर करेगा वहाँ पर भी। साथ के साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बर्निंग की, क्योंकि आपको पता है शिब बर्न पोर्टल के थ्रू लगातार बर्निंग जारी है, साथ के साथ जो बिजनेसेस और प्रॉपर्टीज हैं उनके थ्रू भी बर्निंग यहाँ पर लगातार जारी है। लास्ट 24 आवर के बीच में 167 मिलियन शिब इनू टोकन्स को बर्न किया गया है 12 डिफरेंट ट्रांजेक्शन से। और यहाँ पर अगर बात करूँ बीते एक घंटे की, तो बीते एक घंटे के बीच में लगभग यहाँ पर 2.8 मिलियन शिब इनू टोकन को बर्न किया गया सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन में, यानी जो बर्निंग है वो बहुत ज़्यादा है शिब इनू की। और साथ के साथ यहाँ पर बर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी टोटल सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, और उसको हम कम से कम तभी कर पाएंगे जो यहाँ पर बर्निंग के थ्रू शिब इनू टोकन को बर्न किया जाएगा। साथ के साथ बड़े बड़े बायर्स इसको जब परचेज करेंगे, जैसे व्हेल अकाउंट जैसे इस तरह से, तभी यहाँ पर जो टोटल हमारी सप्लाई है उसको ओवरकम किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं मार्केट की, भाई आज मार्केट में क्या हुआ हल्ला रहा है, क्या कुछ रहा है शिब इनू और साथ ही साथ ओवरऑल मार्केट का। तो ओवरऑल मार्केट की बात करें तो लगभग 4% से गिरावट में देखने को मिल रही है, जिसके कारण जो बिटकॉइन है वो लगभग 5% से, इथेरियम है वो लगभग 8% से गिरावट में चलता हुआ नजर आ रहा है। बात करें शिब इनू के, तो शिब इनू जहां पर मार्केट ओवरऑल माइनस में चल रही है, शिब इनू प्लस के 3% से चलते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ रैंक की बात करें तो 15 रैंक अभी शिब इनू का बरकरार है। चलिए मैं आपको प्राइस ग्राफ पहले दिखा देता हूं, यहां से आपको आइडिया हो जाएगा भाई आज जो मार्केट में मतलब मार्केट डाउन होने के कारण शिब इनू के प्राइस में सिर्फ हल्का फुल्का फर्क पड़ा, बाकी अच्छा खासा पंप लिया शिब इनू ने। बस एक अच्छी बात ये, मतलब अच्छी बात तो नहीं, थोड़ी बुरी बात ये रहती है भाई जब प्राइस हाई हो जाता है तो मैक्सिमम होल्डर सेल कर देते हैं अपना इंस्टेंट प्रॉफिट कमाने के लिए, तो प्राइस फिर से डिप डाउन हो जाता है यहाँ पर। अगर ऐसा ना हो तो प्राइस अच्छा खासा पंप करता हुआ हमको नज़र जरूर आएगा। दूसरी तरफ बात करूँ ट्रेडिंग वॉल्यूम की, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ता हुआ लगातार नज़र आ रहा है, लगभग 25% प्लस में चलता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि प्राइस भी बढ़ रहा है और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर शिब इनू को होल्ड करने की साथ के साथ उसको परचेज करने की होड़ लगी हुई है लोगों के बीच में, भाई इस कॉइन को हम परचेज कर लेते हैं अभी, क्योंकि कल को इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा पंप कर जाएगा तो हमें बहुत अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई जब प्राइस प्लस में चल रहा है तब भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग इसको परचेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अक्सर जब प्राइस माइनस में चलता है तब सबसे ज़्यादा इसको परचेज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, भाई प्राइस माइनस में चल रहा है, सॉरी प्राइस प्लस में चल रहा है तब भी इसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर परचेज कर रहे हैं लोग, मतलब ट्रेड कर रहे हैं इसके ऊपर। तो ये बहुत ही अच्छे गुड साइन है सभी के लिए। तो गाइस यही था इस वीडियो के बीच में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह का अपडेटेड वीडियो यहाँ पर मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइज़।